नमस्कार दोस्तों, ओवर इंडिया में आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। इस दल के सातवें सदस्य के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ रही हैं। तीन दिन पहले पूर्व कप्तान सरफराज अहमद सहित छह क्रिकेटर संक्रमित पाए गए थे। न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंची पाकिस्तानी टीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। न्यूजीलैंड पहुंचने के दो दिन बाद ही टीम के छह खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और एक और खिलाड़ी का नाम इसी लिस्ट में शामिल हो गया है। न्यूजीलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री ने सातवें पाकिस्तान क्रिकेटर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की है। छह खिलाड़ियों के पॉजिटिव आने के बाद पाकिस्तान टीम को आइसोलेशन में मिली प्रैक्टिस की अनुमति पर रोक लगा दी गई थी। बता दें, न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले टीम के स्टार बल्लेबाज फखर जमान ने कोविड-19 के लक्षण पाए गए थे, जिसके चलते वो इस दौरे से बाहर हो गए थे। न्यूजीलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बयान जारी करते हुए कहा, पाकिस्तान टीम का एक और सदस्य आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पाकिस्तान टीम का अगला कोविड टेस्ट सोमवार को होगा और उस समय तक के लिए पूरी टीम को अपने अपने रूम में ही रहने की सलाह दी गई है। बाबर आजम की कप्तानी में न्यूजीलैंड पहुंची टीम अपना 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर रही है। बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस दौरे पर 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसका आगाज 18 दिसंबर से होना है। लगातार खिलाड़ियों के पॉजिटिव आने के चलते अब टीम का दौरा भी मुश्किल में दिखाई दे रहा है। बाबर आजम का बतौर टेस्ट कप्तान पहला दौरा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा, पाकिस्तान टीम फिलहाल अभ्यास नहीं कर सकेगी, जांच पूरी होने तक अभ्यास पर रोक लगा दी गई है। बयान में कहा गया, न्यूजीलैंड क्रिकेट को पता चला है कि पाकिस्तान टीम के कुछ सदस्यों ने आइसोलेशन के पहले ही दिन प्रोटोकॉल तोड़ा है। हम उनसे बात करके समझाएंगे कि प्रोटोकॉल की क्या शर्तें हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पन इंडिया।